प्रिय भक्तों, एक स्थान पर तो गणेश जी के उत्पन्न होने की कथा और भी निराली है। एक समय की बात है कि देवी माता पार्वती अपने आराध्य स्वामी श्री शंभु शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। माँ भगवती गिरिजा की दो प्रिय सखियां भी उनके साथ थी, जिनका नाम था विजया और जया। कि दोनों सखियां उनसे कहने लगी, हे माँ भगवती, माँ पार्वती, सभी गण जो कैलाश पर विद्यमान हैं, श्री महेश्वर शिव जी के हैं, आपके नहीं हैं। जैसे नंदी, भृंगी, अन्य सभी गण भगवान शंकर जी की ही सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले ईश्वर आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। वे गण अपनी अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही द्वारपालक बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारे भी सेवक हैं, पर फिर भी माँ, हमारी इच्छा है कि हमारे लिए भी आप एक गण बना दीजिए, जो सदा हमारी आज्ञानुसार आपकी वह हमारी सेवा में उपस्थित रहे। एक दिन शिव जी का गण नंदी स्नानागार के द्वार पर खड़ा था और माँ गौरा शिव प्रिया स्नानागार में जल क्रीड़ा कर रही थी। सर्वसिद्धि पार्वती निश्चिंत होकर स्नान कर रही थी कि शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु स्नानागार के द्वार पर पहुंचे। शिव जी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा, माँ पार्वती स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेतात्माओं में भी पूजनीय भोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और अंदर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शिव शंकर को अपने इतने निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गईं। वे बार बार यह सोचकर हैरान हो रही थीं कि द्वार पर नंदी द्वारपाल बने खड़े हैं, उनके होते हुए त्रिलोकी के स्वामी वो मेरे आराध्य ही सही यहाँ कैसे पहुँच गए। उनके मन में शिव जी के गणों के प्रति जो भरोसा था उसमें कुछ संदेह होने लगा। सोचने लगी कि ये तो केवल भगवान आशुतोष के ही सेवक हैं। बस फिर क्या था, उन्हें तुरंत अपनी सर्वगुण संपन्न मनोविनोदिनी सखियों के हास परिहास की बात याद आने लगी। माँ पार्वती जी सोचने लगी कि जया और विजया ठीक ही कहती थी कि ये गण तो केवल मेरे प्रभु शिव शंकर के कारण ही द्वारपालक बने हुए हैं। वे मन ही मन विचार करने लगी कि यदि मेरा कोई अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष यकायक स्नानागार में आ सकते थे। यह सच है कि शिव जी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक पाल रखना चाहिए जो अक्षरशः मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी और कार्य कुशल हो। इस प्रकार तीनों लोकों की ईश्वरीय देवी गिरिजा ने योग बल से एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्वगुण संपन्न था, सुडौल विशाल शोभायुक्त परम बलशाली शरीर था उसका। माता पार्वती ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे पास बुलाकर कहने लगी, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे जितना प्यारा दुलारा और स्नेही मुझे कोई और नहीं चाहिए।